बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 10 का वीक कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज होपफुली हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एंड कर लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी दैट वाज रिलेटेड टू इफ देन एल्स, एंड टुडे इंक्लूडिंग इफ देन एल्स वी विल आल्सो डिस्कस द केस ऑफ अदरवाइज एंड केस स्टेटमेंट एज वेल। ठीक है, इस स्टेटमेंट्स को भी आज हमने साथ ही चेक करना। ओके, इफ स्टेटमेंट कल हमने की थी। इफ स्टेटमेंट में एक जो टर्मिनोलॉजी आपकी बुक में भी यूज की गई है दैट इज ऑफ नेस्टेड इफ, राइट। नेस्टेड इफ जो है ये बताया नहीं गया आपकी बुक में कि ये क्या होता है, लेकिन इट इज मैंडेटरी बिकॉज आगे जाके हम जब लूप्स ही पढ़ेंगे तो उसमें नेस्टेड लूप की टर्मिनोलॉजी भी आएगी। तो जब आप इफ पढ़ रहे हैं तो इफ के अंदर ही हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। नेस्टेड Whenever we are using programming, तो nested का मतलब होता है कि अगर एक ही तरह का structure किसी दूसरे structure के अंदर, अपने ही तरह के structure के अंदर मौजूद हो तो उसको हम nested बोलते हैं। Like यहाँ पे देखें, ये जो blue color में है that is if statement, ठीक है। If age is greater than 18 then, अब इसके बाद then के बाद जो है हम कोई चीज print नहीं करवा रहे, again एक if statement आ गई। And इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दोबारा को चेक करें कि इफ हाइट इज ग्रेटर देन 1 देन प्रिंट यू आर एडमिटेड। ये जो एंडएफ है दैट इज ऑफ इंटरनल इफ, और ये जो एंडएफ है ये आउटर इफ का है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर के अंदर हमारे पास इफ स्टेटमेंट है दैट इज नोन एज इंटरनल इफ, और ये जो इफ है ये स्टेटमेंट हमारे पास कहलाएगी एक्सटर्नल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सी आगे एग्जाम्पल जाके देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये भी चेक कर लें कि इसको लिखने का जो तरीका है वो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। लाइक अगर हमने यहाँ पे देन को यहाँ पे प्लेस किया हुआ था, तो अगर देन को हम यहाँ पे प्लेस कर दें, ये जो आउटर वाले इफ का था, तो यहाँ पे भी इफ कर दें तब भी ठीक है। अगर इस वाले देन को इसी लाइन में लिखते हैं तब भी ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको प्लेस कर दें तो तब भी ठीक है। तो इन दोनों लाइन से आपने कन्फ्यूज नहीं होना। देन को हम सेम लाइन में भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये एक छोटा सा आपकी बुक में एल्गोरिदम है पास फेल का यूजिंग नेस्टेड इफ, बट बुक के अंदर उसने उसको नेस्टेड इफ को थोड़ा सा रॉन्गली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इसको जरा सा करेक्ट कर लीजिएगा और इस स्टेटमेंट को जरा अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। नेस्टेड इफ हमेशा तब हम कहते हैं when we are not using the else statement, else के बाद जो if आएगा ना तो उसको हम nested if हम नहीं कहते होते, वो हमारे पास else if statement होती है। if हमारे पास एक statement होती है if statement, एक होती है if else statement, एक होती है else if statement जिसमें multiple conditions होती हैं, and then we have nested if। तो जो nested if है ये complete एक if जो structure है उसकी body के अंदर एक complete और if structure मौजूद होगा। Like यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, इसको अगर एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करें साथ ही नेस्टेड इफ को भी इसमें डिस्कस करते हैं। इस एल्गोरिदम के अंदर सिंपल परसेंटेज जो है ना वो इनपुट करवाई जा रही है, मांगी जा रही है कि आप परसेंटेज को इनपुट करें। अब जो भी यूजर इनपुट करेगा परसेंट के अंदर उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो जो परसेंट उसने एंटर की थी दैट वॉज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज किया, आपकी बुक में डिफरेंट लगा हुआ, और परसेंट इज लेस देन इक्वल टू 100। इट्स मीन कि परसेंट जो भी यूजर ने दी है उसको हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या वो वैल्यू जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। उसको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या उसे लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। अगर ये इस चीज को फुलफिल करता है तो फिर हम आगे मूव होंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या जो परसेंट यूजर ने एंटर की थी वो वैलिड तो है, बट अगर उसने जो वैल्यू एंटर की थी दैट इज ग्रेटर देन 49 तो देन वी विल प्रिंट पास, एल्स वी विल प्रिंट फेल, और साथ ये वाली जो इंटरनल इफ स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे एंड हो जाएगी। इस इफ स्टेटमेंट के साथ, इस इफ स्टेटमेंट के साथ एल्स हमने लगाया कि अगर यूजर जो है वो जीरो या 100 के दरमियान की वैल्यू एंटर नहीं करता, कोई रॉन्ग वैल्यू एंटर कर देता है, तो उसको हम क्या प्रिंट करवा देंगे, इनवैलिड मार्क्स। उसके लिए इनवैलिड मार्क्स जो है ये एंटर हो जाएंगे।
अब अगर इसको देखें, यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है, ये हमारे पास है आउटर इफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आउटर इफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसके साथ ही हम अगर इसको रन करते हैं नेक्स्ट को, तो ये हमारे पास जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये इनर इफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो जो इनर स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली रिजाइड कर रहा है एक आउटर इफ स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर है। अच्छा, जो एक जो बहुत ही जरूरी चीज है, प्रीवियस चैप्टर में जो आपने चीजें पढ़ी थी उनको देखते हुए जरा ये चीजें यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप सब लोग, क्योंकि इससे रेलेवेंट आपके पास आगे कुछ टास्क आने वाली हैं और हर एल्गोरिदम में ये काम हम जरूर करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये प्रीवियस एल्गोरिदम है, इसमें हमने मेंशन की हैं टू वैल्यूज फॉर द नॉर्मल, कि नॉर्मल वैल्यूज हमारी होंगी वो कौन सी होंगी, व्हाट आर द बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री वैल्यूज भी हमने जरूर मेंशन करनी है, ठीक है, तो बाउंड्रीज वैल्यूज भी मेंशन करना होंगी। देन हमारे पास एंड के ऊपर इरोनियस, जिसमें एरर हमारे पास होते हैं कि एरर वाली वैल्यूज हैं वो कौन सी, उसकी एक एग्जांपल हमें देनी होगी। तो जितने भी एल्गोरिदम आप करेंगे उन एल्गोरिदम्स में टू सेट ऑफ नॉर्मल वैल्यूज, टू सेट ऑफ बाउंड्री वैल्यूज एंड वन सेट ऑफ इरोनियस वैल्यूज हमें मेंशन करना होगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो हमने एल्गोरिदम अभी डिस्कस किया है इसके लिए फॉर नॉर्मल वैल्यूज है हमारे पास 0, 15, 20, 30, 40, 49, ये वैल्यूज जब भी हम देंगे ये एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन इन सब वैल्यूज के लिए प्रिंट करेगा फेल, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है ना कि परसेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 49 है तो तब वो पास करेगा, अदरवाइज वो फेल करेगा। फिर पास के लिए भी हमने यहाँ पे कुछ 6 एग्जांपल ले लिए, 6 वैल्यूज एंटर कर दी कि अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू आप एंटर करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा पास। देन वी हैव बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री वैल्यूज हमने पहले बताया कि हम उस बाउंड्री के ऊपर जाके जो लेस देन वाली होती है, सबसे लेस देन वाली और ग्रेटर देन वाली दोनों को हम कंसिडर करें, दोनों की एक एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें एक रिजेक्टेड वैल्यू और एक एक्सेप्टेड वैल्यू हम लाजमी मेंशन करते हैं। तो बाउंड्री वैल्यूज में वी हैव -1 जिसके लिए हम कहेंगे कि ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर हम 0 वैल्यू देते हैं डेट विल बी एक्सेप्टेड, ये बाउंड्री के ऊपर वैल्यूज है। देन जो ग्रेटर देन जो हमारी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यूज होंगी उनको हम देखते हैं 101 से हम बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं डेट विल बी रिजेक्टेड वैल्यू, और 100 वैल्यू है वो हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू आ जाएगी, तो ये बाउंड्रीज वैल्यूज आ गई। देन एरर वैल्यूज हम 101 देते हैं, -1 देते हैं, 200 देते हैं, 50 वैल्यू देते हैं, तो ये वाली सारी की सारी वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी, हमारा एल्गोरिथम को वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्लास आपको आपको बेटा आज को मसला तो नहीं हो रहा? आई एम सिटिंग समवेयर एल्स टुडे और मेरे पास आजकल थोड़ा सा इस क्लास में शोर थोड़ा ज्यादा है। अक्सा, नो सर, एल्गोरिथम की समझ आ गई? यस सर, आ गई। ओके, फरहान, हुज़ैफा, अली, यस सर, आ गई। यस सर, आ गई है। ओके सर, यस सर, या तो कोई प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने आपको नॉर्मल वैल्यूज एंड बाउंड्रीज वैल्यू मेंशन किए हैं इनमें तो आपको मसला नहीं है? बट इन एल्गोरिथम के साथ हमने ये वैल्यूज लाजमी एक दफा देखनी जरूरत है ताकि आपकी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज इस पूरे चैप्टर में हमें चीजों की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन कुछ एल्गोरिथम में हम ये चीजें जरूर डिस्कस करेंगे। एक तो आपके लिए रिवाइज हो गया, और सेकंड ये है कि अगर किसी एल्गोरिथम में भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज, व्हाट आर द बाउंड्री वैल्यूज, व्हाट आर द एरर वैल्यूज, तो आप फौरन से उसको मेंशन कर सकें, ठीक है? ठीक है सर। ओके जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड द एक्टिविटी 10.2। ये बिल्कुल इसी एक्टिविटी से रेलेवेंट है जो भी हमने अभी की है। ये एक्टिविटी है आपकी बुक में जिसमें वो कह रहा है कि ये जो एल्गोरिथम अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है इसी एल्गोरिथम को आपने चेंज करना है बिटवीन 0 and 20, ठीक है। समझे, आपके जो क्लास के जो टेस्ट हो रहे होते हैं ना, जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं उसमें 20 मार्क्स का आपका टेस्ट हो रहा है, तो आप 100 तो मार्क्स नहीं रहे, 20 के चले गए, तो देन वो कह रहे हैं कि इसमें जो पासिंग मार्क्स होंगे डेट विल बी 10, अब आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। इसके साथ आपने डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यूज नॉर्मल वैल्यूज हैं,
बाउंड्री वैल्यूज में क्या होंगी और एरोनियस जो डाटा होगा वो भी आपने अपने एल्गोरिथम के लिए जरूर टेस्ट करना है। तो ये चीजें आपने सारी के सारी अपने इस एल्गोरिथम को एक तो चेंज करना है और सेकंड चेंज करने के साथ ये तमाम चीजें आपने मेंशन भी करनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया किसी को, सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये वाली एक्टिविटी जो समझ ना आई हो? समझ आ गई सर। जिसको समझ ना आए ना वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं विद इन द सिस्टम, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि इनको मसला आ रहा है। ओके जी, अब हम अपनी न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज केस ऑफ अदरवाइज एंड एंड केस। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये भी हमारे पास, हमने डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट है, बस है उसी तरह की, मिलती जुलती हम इसे कहते हैं, बट थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। इसको हम देखते हैं ये काम कैसे करती है। फॉर अ केस कंडीशन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डिसाइड्स द पाथ टू बी टेकन। ठीक है, केस कंडीशन क्या करती है, ये डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा, जो भी वैल्यू पड़ी होगी, उस वैल्यू के ऊपर इसने डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करना है। इसके पास जो पाथ होते हैं ना, वो हमारे पास कुछ वैल्यूज वाले होते हैं, कुछ काफी सारी वैल्यूज जो हम स्पेसिफाई कर देते हैं वो उसके पाथ बन जाते हैं। ठीक है, या जो वैल्यूज हमने मेंशन कर दिए हैं उस पाथ को इसने फॉलो करना है, या इसके पास एक पाथ होता है अदरवाइज वाला। ये पाथ हम लेते हैं उन तमाम वैल्यूज के लिए जिनको मेंशन नहीं करते। ठीक है, कुछ वैल्यूज जो हमने मेंशन कर दी वो हमारे पास पाथ बन जाएगा कि जो वैल्यू हमने मेंशन की वेरिएबल में, अगर वो वाली वैल्यू आ गई, जो वैल्यू हमने किसी जगह पे मेंशन की हुई है या नंबर ऑफ वैल्यूज हमने मेंशन की उनमें से कोई भी मैच हो जाती है तो दैट विल बी हिज पाथ। और अगर वो तमाम वैल्यू जो हमने मेंशन नहीं की हुई, अगर उनमें से कोई वैल्यू आ जाती है तो फिर अदरवाइज वाला पाथ जो है ये फॉलो होगा। द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इज शोन बाय एंड केस। एंड केस से ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमारी एंड होती है। ठीक है, तो केस से स्टेटमेंट स्टार्ट हुई और एंड केस पे स्टेटमेंट एंड होगी। The algorithm below specifies what happens if the value of choice is 1, 2, 3 or 4. ठीक है? 1, 2, 3, 4 के ऊपर क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है case choice of, ये अपने स्टेटमेंट लिखनी है, ये बिल्कुल इसी तरह लिखी जाएगी, ये फर्स्ट लाइन और एंड लाइन सोचें कि आपने इसी तरह लिखनी है। इसमें choices है, वो कह रहा है कि अगर 1 जो है इसको एंटर किया जाता है तो क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। ठीक है, ये एंटर होगा। देन अगर हमारे पास आता है 2 तो इसको लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू नम 1 माइनस नम 2। अगर 3 एंटर करता है तो नम 1 मल्टीप्लाई बाय नम 2 इसकी वैल्यू आंसर में सेव हो जाएगी, और 4 के ऊपर आंसर इज इक्वल टू नम 1 डिवाइडेड बाय नम 2, ये डिवीजन हो रहा है। तो 4 चॉइसेस हैं। इट्स मीन के यूजर को पहले कोई ऑप्शन दिखाया गया होगा, उसको एक मेन्यू दिखाया गया होगा जिसके ऊपर 1 के ऊपर उसने एडिशन परफॉर्म करनी है, 2 पे सब्ट्रैक्शन करनी है, 3 पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, 4 पे डिवीजन करनी है। और अगर इन चारों नंबर में से कोई नंबर नहीं दिया गया तो हम प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज प्रिंट, ये बिल्कुल एज इट इज लिखना है। केस चॉइस ऑफ लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज प्रिंट लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर अ वैलिड चॉइस। तो वैलिड चॉइस है फिर उसको हम उसको मैसेज दे देंगे कि आपने जो चॉइस एंटर की थी वो गलत एंटर की थी, तो आप रॉन्ग चॉइस एंटर कर दिया। और साथ ही हमारा ये जो वाला केस वाला स्ट्रक्चर है वो एंड केस के ऊपर एंड हो जाएगा। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं थोड़ी सी और आपको दिखाता हूँ। आपकी बुक में ये जो मेंशन किया गया है, इट इज द सब पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम आपको शो नहीं किया गया, क्योंकि कंप्लीट अगर हम एल्गोरिदम ये सूडो कोड लिखते हैं तो उसका ये छोटा सा पार्ट है जो केस से स्टार्ट हुआ है। तो वो कम्प्लीट स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे स्लाइड में, इसको जरा हम देखते हैं। ओके, जरा इसको देखिएगा, ये वाला पार्ट जहाँ से इनपुट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक हम पहुंचते हैं, इससे पहले यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं। ये 2 स्लाइड्स के ऊपर या स्लाइड में 2 पार्ट्स के अंदर दिखाया इसलिए गया है क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी यहाँ पे कम्प्लीटली। ये प्रोग्राम यहाँ से हमारा ये सूडो कोड स्टार्ट हो रहा है और ये सूडो कोड यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन पे हम एंटर कर रहे हैं प्रिंट एंटर फर्स्ट वैल्यू, यूजर को सिर्फ मैसेज दे रहे हैं कि आप वैल्यू एंटर करो। और आगे हमारी स्टेटमेंट है इनपुट स्टेटमेंट, ये आगे जाके हमने स्टेटमेंट पढ़नी थी लेकिन इस एल्गोरिथम में मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इनपुट स्टेटमेंट हमेशा हम लिखते हैं इनपुट के नाम से और उसके आगे जो भी वेरिएबल हम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसमें वैल्यू यूजर देगा। इस मीन के प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा
ये सूडो कोड प्रोग्राम की शक्ल में आएगा और प्रोग्राम को जब कोई एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम की हो रही उस टाइम के ऊपर वो वैल्यू यूजर से लेगा, ठीक है, नम वन उसने वैल्यू वहां से ले ली। जब वो वैल्यू पहले एंटर कर देगा तो फिर हम प्रिंट कराएंगे एंटर सेकंड वैल्यू, यूजर जो है वो अपनी सेकंड वैल्यू एंटर कर देगा। तो उसने सेकंड वैल्यू दे दी, सेकंड वैल्यू को इनपुट हम करा रहे हैं नम टू के अंदर, नम टू में उसने वैल्यू दे दी। जैसे ही वो नम टू करेगा तो ये हमारे पास 5 प्रिंट की स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो पहली वाली प्रिंट स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, प्रिंट 1 टू ऐड, सेकंड स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं प्रिंट 2 टू सबट्रैक्ट, थर्ड में लिख रहे हैं प्रिंट 3 टू मल्टीप्लाई, फोर्थ हम लिख रहे हैं प्लस 4 टू डिवाइड, और फिफ्थ के अंदर हम लिख रहे हैं एंटर योर चॉइस, यू लिख दिया एंटर योर चॉइस लिखना था, एंटर योर चॉइस। अब इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इनपुट चॉइस, अब यूजर से वो चॉइस लेगा, यूजर ने क्या देनी है चॉइस, यूजर ने देखना है कि इनपुट मेरे पास एक मैसेज दिखाई दे रहा है जिसमें 1 2 3 4 का उसे कहा गया है कि अगर 1 आपने एडिशन करना है तो 1 प्रेस करें, सबट्रैक्ट करना है तो 2 प्रेस करें, मल्टीप्लाई करना है तो 3 प्रेस करें, डिवाइड करना है तो 4 प्रेस करें, तो इनमें से कोई एक नंबर उसको प्रेस करना होगा, वो वाला नंबर यहाँ पे दे देगा। अगर उसने इन चारों नंबरों में से कोई नंबर दिया था तो उसकी बेस के ऊपर यहाँ से कोई ना कोई लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लाइक उसने 1 दिया तो ये एडिशन वाला एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, अगर 3 दिया था तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बाकी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जिस केस की जो वैल्यू थी उसको मिली उसने वही लाइन जाके एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है, उसके बाद वो एंड केस के ऊपर आ जाएगा, बाकी ना तो कोई और लाइन ये 1 वाली 2 वाली 3 वाली 4 वाली इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगी, 1 एग्जीक्यूट होगी, 2 3 एग्जीक्यूट नहीं होगी, अदरवाइज भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एंड केस के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हमारी एग्जीक्यूशन होगी। अगर यूजर ने वैल्यू ऐसी दी थी 5 दे दी तो 5 के ऊपर क्या होगा, इन 4 में से कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट प्लीज एंटर अ वैलिड चॉइस, ये लिखा हुआ आ जाएगा और एंड केस हो जाएगा, ठीक है, तो ये उसकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगी। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो भी आंसर हमारा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये सबको क्लियर है ना, इसमें तो नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपको इस पे प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब यही जो कोड है इसको ड्राई रन करके भी देखते हैं, ठीक है, ड्राई रन का मतलब ये होता है कि हम उसको ड्राई रन उस वक्त करते हैं जब हमारे पास एक सिस्टम हो और उसको बगैर कंप्यूटर के यूज़ किए हुए हम खुद रन करके देखें उसको मैनुअली कि अगर ये प्रोग्राम ये सूडो कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, उस एग्जीक्यूशन को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके एग्जीक्यूशन को ज़रा देखेंगे कि फर्स्ट टाइम के ऊपर जो प्रीवियस सूडो कोड प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था वही सूडो कोड यहाँ पे आप देख लें कि ड्राई रन पे वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन हमारे पास एक आएगी एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है, इसके बाद हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट थी, इनपुट स्टेटमेंट में यूजर ने हमने वैल्यू देनी, हम कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं 4 से 20 वैल्यू हमने एंटर कर दी। देन जब 20 वैल्यू हमने एंटर की वी जस्ट प्रेस द एंटर बटन, एंटर बटन प्रेस किया तो इसने मुझे सेकंड लाइन दिखा दी एंटर सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू पे वो यूजर से फिर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, इज आस्किंग कि आपको एक वैल्यू एंटर करें, हम उसको 3 वैल्यू दे देते हैं और फिर हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमारे पास ये 5 लाइंस जो हैं जो कि प्रिंट स्टेटमेंट में हमने सूडो कोड में देखा था वो सारी की सारी लाइंस यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जब सारी लाइंस हमारे पास लिखी हुई आ गई तो इस पे हमें मैसेज क्या दिखाई दे रहा है, प्रेस 1 टू ऐड, प्रेस 2 टू सबट्रैक्ट, प्रेस 3 टू मल्टीप्लाई, प्रेस 4 टू डिवाइड। अब ये जो सारी लाइंस आपके पास लिखी हुई हैं, इस लाइंस को देखने से आपको कुछ समझ आ रही है कि आपने क्या करना है? Yes, sir. उज़ैफ़ा क्या समझ आ रही है आपको? सर फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है, जब हम लोग आगे से जब चॉइस एंटर करेंगे, अब सपोज हमने 1 एंटर की होगी तो दोनों को ऐड कर देंगे 20 प्लस 30 50, और अगर प्रेस 2 करेंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे, प्रेस 3 तो मल्टीप्लाई और प्रेस 4 डिवाइड। ओके ओके लवली। तो अब यहाँ पे हम जो चॉइस है मैंने ड्राई रन के अंदर फिक्स किया हुआ था कि हम 1 प्रेस कर रहे हैं और 1 वैल्यू हमने इसको यहाँ पे दे दी एंड वी जस्ट प्रेस एंटर, तो जैसे एंटर करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ जाएगा आंसर इज इक्वल टू 50 एंड दैट इज द एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम।
अगर हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन में उसकी एग्जीक्यूशन हमें बिल्कुल इसी तरह नजर आएगी जैसे अभी आपके सामने ये मैंने इसको ड्राई रन करके दिखाया है. ठीक है, ये सबको क्लियर है ना सर? अगर प्रेस 2 करेंगे सबट्रैक्ट के अंदर तो कौन सी वैल्यू को कौन सी वैल्यू से सबट्रैक्ट करेंगे, लाइक 30 माइनस 20 और 20 माइनस 30? ये चीजें आप सुडो कोड में देखेंगे. सुडो कोड में हमने ये चीज कैसे लिखी हुई है, सुडो कोड में हमारे पास ये वैल्यू ऐसे है. आगे देखें सुडो कोड में क्या हो रहा है. जो भी वैल्यू हम देंगे वो नम 1 पहले लिखी हुई आ रही है, उसके बाद माइनस, तो आंसर नेगेटिव में आएगा. नेगेटिव माइनस का आंसर आएगा ना? बिल्कुल माइनस में आंसर आएगा. ठीक है, और अगर डिवीजन हो रही होगी तो 20 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा क्योंकि हमने कोड ऐसे लिखा हुआ है, हम ये नहीं चेक कर रहे इसके अंदर कि जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो फर्स्ट वैल्यू के लाएगी और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो सेकंड वैल्यू के लाएगी. ऐसा नहीं है, जो भी हम फर्स्ट वैल्यू एंटर करेंगे वो नम 1 के लाएगी और जो भी सेकंड वैल्यू हम एंटर करेंगे वो नम 2 के लाएगी. क्लियर है सबको? यस सर. ओके, अच्छा ये ड्राई रन दोबारा आ गया मेरे पास. अच्छा अब मैं आप सबको ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आउटपुट जो सामने नजर आ रही है, इस आउटपुट को देखते हुए आपने प्रीवियस जो सुडो कोड मैंने आपको दिखाया था उसको चेंज करना. ये भी बैठ के आप सब लोग चेंज करें और मुझे जो मेन्यू है वो इस तरह नजर आना चाहिए कि पहले एंटर फर्स्ट वैल्यू आए, यूजर वैल्यू दे लेकिन इसमें कॉलन के मैंने एडिशन किया है, एंटर सेकंड वैल्यू करे कॉलन लिखे उसके बाद वो वैल्यू एंटर करे, देन मैसेज लिखा हुआ है प्रेस अ नंबर फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन और उसके बाद ये वाली लाइन लिखा है 1 लिखा हो उसके साथ प्लस लिखा हो, 2 लिखा हो उसके साथ माइनस, 3 लिखा हो उसके साथ स्टैरिक, 4 लिखा हो उसके साथ डिवाइड और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हो एंटर योर चॉइस और फिर जो भी यूजर यहाँ पे चॉइस दे उसका आंसर यहाँ पे आ जाए. तो ये जो मेन्यू मैंने आपको दिया है ये पहले अपने पास पेपर के ऊपर नोट करें या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास और मुझे आप सब ने ये सॉल्व करके अभी मैसेज में इसका सलूशन सेंड करना है कि आपने इसका ये सुडो कोड लिखा. जल्दी से सब लोग शुरू हो जाए. सर क्वेश्चन नहीं समझ आया. क्वेश्चन ये है कि ये है आउटपुट जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्राई रन करके दिखाया ना, ये वाला प्रीवियस एग्जांपल में ड्राई रन है ना. यस सर. और ये ड्राई रन किसका था? ये इस एल्गोरिथम का था. ठीक है, ये जो मेरे पास सामने लिखा हुआ है. अब आपने ये वाला जो सुडो कोड है इसके अंदर चेंजेस करनी है कि जो मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ ना उसकी तरह की आउटपुट यहाँ पे आ रही है सर. ठीक है, ये एल्गोरिथम है इसके अंदर आपने चेंजेस करनी है. ठीक है, ये पूरा एल्गोरिथम है. ये पहले नोट कर लें अपने पास, अगर आपने नोट नहीं किया स्क्रीन शॉट देकर अपने पास सेव कर लें ताकि फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड. इसकी स्क्रीनशॉट आप सिर्फ ड्राई रन दोबारा समझाने में ऑफलाइन हो गया था. अच्छा मैं आपको इतनी देर में समझा दूंगा, आप लोगों को मैं काम पे लगा दूंगा. जी बेटा सर, इनपुट आप देंगे हम अपनी मर्जी से लें? आप अपनी मर्जी की इनपुट है लेकिन मुझे इनपुट यूजर कोई भी दे. लेकिन अभी देखे ना यहाँ पे जरा गौर करें कि मैं लिखा हुआ एंटर फर्स्ट वैल्यू. मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एंटर फर्स्ट वैल्यू के बाद मैंने जो आपको नई आउटपुट दिखाई उसमें कॉलन आ रहा है तो यहाँ पे आपको इस फर्स्ट वाली लाइन में कॉलन लगाना होगा. ठीक है, फिर सेकंड हिंट ये है कि यहाँ पे प्रिंट की 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें प्रेस 1 टू ऐड लिखा है, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है 1 डॉट और आगे प्लस का साइन आ रहा है. ऐसे ही है ना? यस सर. ठीक है, तो आपने ये वाली चेंजेस इस लाइन के लिए करनी है, फिर एंटर योर चॉइस आएगा और चॉइस के बाद ये वाला कोड बिल्कुल सेम रहेगा और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा. तो आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है और यहाँ पे इन टू लाइंस के साथ कुछ चेंजेस करनी है. ठीक है, तो ये हमारा सुडो कोड है, इसकी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करें और ये स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें. इसके बाद आपने जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपके पास ये वाला ड्राई रन था ना, मैंने इसी को देखते हुए ड्राई रन बनाया था. ये जो मेरा प्रीवियस सुडो कोड था ये सुडो कोड को देख के ये ड्राई रन बनाया गया. ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट दिखा रहा है. अब मैंने जो ड्राई रन था उसका जो चेंजेस आपको एल्गोरिथम में सुडो कोड के अंदर करनी है उसके ड्राई रन मैंने आपको दिखा दिया कि ये उसका ड्राई रन है, आप सुडो कोड के अंदर जाकर चेंजेस करें.
शर्जील बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कहानी बेटा मैसेज कर दें मुझे। शर्जील आप बेटा मैसेज कर दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर कर दिया। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कहानी बेटा ना ही बोलो तो बेहतर है। जी बेटा सब लोग काम कर रहे हैं ना? सर हो गया। अच्छा हो गया, गुड। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये ड्राई रन दोबारा रिपीट कर दे, मैं ऑफलाइन हो गया था अभी ऑनलाइन हुआ। मैं आपको बेटा इसके बाद वो जो आपके हमारे पास लेक्चर के बाद थोड़ा सा टाइम आएगा ना उसमें आपको समझा देता हूं। बल्कि थोड़ा सा मुझे दिखा देने, मैं आपकी आउटपुट शेयर कर रहा हूं, मुझे दिखा देने मैं आपको भी बताता हूं। सर मुझे ड्राई रन से समझ नहीं आया। ड्राई रन नहीं समझ, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जब तक बाकी सॉल्व कर रहे हैं मैं शर्जील को ये ड्राई रन दोबारा समझा देता हूँ। शर्जील ये एल्गोरिथम आपको सारा समझ आ गया था ना? यस सर। अब इस एल्गोरिथम में जब हम इस एल्गोरिथम को प्रोग्राम की शक्ल देंगे, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले इसकी पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिस पे लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। हमने प्रिंट की यही पहली स्टेटमेंट दी हुई है ना? यस सर। ओके, इसके बाद इनपुट स्टेटमेंट है। इनपुट का मतलब होता है कि यूजर ने कोई वैल्यू देनी है और वो वाली वैल्यू जो है वो जो इनपुट के आगे वेरिएबल लिखा होगा उसमें जाकर सेव हो जाएगी। तो हमने 20 वैल्यू दी, ये नम वन में जाकर सेव हो जाएगी। ऐसे ही है? यस सर। ओके, इसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट प्रिंट की स्टेटमेंट आ जाएगी, दैट इज एंटर सेकंड वैल्यू। इन सेकंड वैल्यू हमने फिर यूजर में वैल्यू देनी है, हमने कोई वैल्यू दे दी 30, तो ये नम टू में जाकर सेव होगी। ठीक है? यस सर। ठीक है। ओके। यस सर। इसके बाद जब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास सारी प्रिंट ऐप की 5 स्टेटमेंट्स थी ना?
तो प्रेस 1 टू ऐड प्रेस 2 टू सबट्रैक्ट प्रेस 3 टू मल्टीप्लाई प्रेस 4 टू डिवाइड एंड एंटर योर चॉइस ये लिखा हुआ आ जाएगा इसके बाद ही यहां पे रुक गया एंटर योर चॉइस के ऊपर क्योंकि इसके बाद फिर इनपुट स्टेटमेंट्स है हमारे पास एंड नेक्स्ट जो इनपुट स्टेटमेंट्स है दैट इज आस्किंग कि आप इन चॉइसेस में से कोई एक वैल्यू जो है वो एंटर कर दो राइट तो उसने को वैल्यू एंटर कर दी अब एंटर क्या कर दी 1 तो 1 के ऊपर क्या होना चाहिए ऐड होना चाहिए तो हमने चॉइस वाले अपने स्ट्रक्चर में ये लिखा हुआ है कि यूजर जो 1 एलिमेंट एंटर करेगा तो उसमें हमने num1 plus num2 लिखा हुआ है ऐसे 50 आंसर आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये है ड्राइवर ठीक है तो जो हमने हमारे सूडो कोड के अंदर लिखा हुआ था वो एज इट इज जब एग्जीक्यूट होगा तो वैसे लिखा हुआ है ठीक है तो अभी हमने जो टास्क आपको दिया है कि मैंने एक ड्राई रन आपको दिखा दिया इसी ही सूडो कोड का लेकिन थोड़ी बहुत मैंने चेंजेस किए हैं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इसका एल्गोरिदम पूरे का पूरा खुद लिखें और वो एल्गोरिदम में जो चेंजेस यहाँ पे ड्राई रन में लिखे हुए हैं वो चेंजेस अपने एल्गोरिदम के अंदर भी अपडेट कर दें और ये मुझे आपने टास्क सॉल्व करके भी देनी है अभी यक्षा बेटा आपका कहाँ तक पहुंच गया आंसर यस सर मैंने कर लिया मुझे बेटा मैसेज पे शेयर कर दें अगर कर लिया तो उसको कॉपी करें ना मुझे मैसेज पे सेंड कर दें फारान हुजैफा मारिया साद सर मैंने नहीं किया हुजैफा आपने क्यों नहीं किया बेटा सर नहीं समझ आ रही नहीं हो रहा अच्छा आपसे नहीं हो रहा क्या बेटा इसमें समझ नहीं आ रही चले मैं आपको एल्गोरिथम दिखा देता हूँ जिनको समझ नहीं आई है और जिनको समझ आ गई है वो अपना सॉल्यूशन मुझे सेंड कर दीजिएगा इस सूडो कोड के अंदर हमने सिर्फ ये चेंजेस किया जरा देखिएगा वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक कॉलन प्लेस किया है क्योंकि मेरे ड्राई रन में ये लिखा हुआ था यहाँ पे कॉलन ठीक है सेकेंड यहाँ पर भी कॉलन मैंने ऐड कर दिया बाकी कोई नहीं बिल्कुल सेम था कोई चेंजेस नहीं आई एल्गोरिथम में हाँ जब यूजर सेकंड वैल्यू देगा उसके बाद ये एक लाइन के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा 1 2 3 4 1 के आगे प्लस है 2 के आगे माइनस है 3 के आगे मल्टीप्लाई है 4 के आगे डिवाइड है बाकी एंटर योर चॉइस के आगे कॉलन था बस ये मेरे पास 4 चेंजेस थी पूरे एल्गोरिथम में दैट्स इट और इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी नहीं करना ज़फ़ा यस सर चेक करें जरा अब समझ आ रही है यस सर ये जो ड्राई रन है ड्राई रन में सिर्फ हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट्स हमें नजर आ रही हैं तो सूडो कोड में जो प्रिंट की स्टेटमेंट्स थी मैंने जाके सिर्फ उन्हीं के अंदर इस प्रिंट स्टेटमेंट में इस प्रिंट स्टेटमेंट में इस प्रिंट स्टेटमेंट और इस प्रिंट स्टेटमेंट में चेंजेस जाकर किए हैं जो कि वहां पे मुझे नजर आ रही थी बाकी रेस्ट ऑफ द कोड बिल्कुल सेम इसमें कोई चेंज नहीं आ रही वो एल्गोरिथम दोबारा दिखा दें प्रीवियस एल्गोरिथम हमारे पास ये था ये वाला हमारा प्रीवियस एल्गोरिथम ठीक है इसमें ये वाली जो लाइंस है ना 4 लाइंस ये निकल जाएंगी इसकी सिर्फ एक ही लाइन आ जाएगी जिसमें हमने लिख रहे हैं 1 dot plus 2 dot उसके आगे क्या लिख रहे हैं सबट्रैक्ट 3 dot मल्टीप्लाई का साइन 4 dot डिवाइड का साइन आ रहा है ठीक है सिंपल हम ये चेंजेस हमने किए इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं की पूरे प्रोग्राम के अंदर ये इसका ड्राई रन था और ये इसका ड्राई रन था ठीक है तो ये मैंने आपको कोड भी दिखा दिया अब आपके पास नेक्स्ट टास्क है ये भी आपका होमवर्क है दिस इज योर सेकंड एक्टिविटी इसमें आपने सिंपल यूज के स्टेटमेंट को यूज करना है और इसमें आपने डिस्प्ले करने हैं डेज ऑफ द वीक ठीक है अगर यूजर जो वैल्यू देता है दैट इज बिटवीन 1 to 7 तो उसको वो वाला डे प्रिंट कर दे लाइक जैसे 1 प्रेस किया तो मंडे प्रिंट हो जाना चाहिए 2 प्रेस करे तो ट्यूजडे 3 प्रेस करे तो वेडनेसडे ठीक है तो 7 के ऊपर हमारे पास संडे आ जाएगा अगर यूजर इसके अलावा कोई वैल्यू देता है तो एरर मैसेज आ जाएगा कि आपने इनवैलिड वैल्यू एंटर की है अगर 1 से 7 के दरमियान की वैल्यू एंटर करता है तो वो डे जो है वो प्रिंट हो जाए तो इसका कंप्लीट सूडो कोड है वो आपने मुझे लिख के देना है ठीक है तो ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं ये आपका होमवर्क है आपने एक्टिविटी 10.2 और 10.3 ये सॉल्व करनी है एमएस वर्ड फॉर्मेट के अंदर आप में से अक्सर मुझे असाइनमेंट भेज रहे हैं वो असाइनमेंट भेज देते हैं ईमेल के अंदर पेस्ट कर देते हैं आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके असाइनमेंट बनानी है और वो डॉक्यूमेंट अटैच करके मुझे भेजना है ठीक है जो ये नहीं कर जो कर रहे हैं वो ठीक है जो नहीं कर रहे हैं उन्होंने करना है और असाइनमेंट की जो डेडलाइन है वो 15th अप्रैल है बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ माई लेक्चर मेरे लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले आपकी असाइनमेंट मुझे ईमेल में आ जाना चाहिए इसके बाद जो भेजेगा वो लेट कंसिडर होगी ठीक है 12:50 तक आपके पास कल का टाइम है 12:50 तक आप मुझे असाइनमेंट अपनी सेंड कर देना ठीक है
तो अब हमारे पास अब थोड़े से सेकंड्स रह गए हैं, मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूं यहां पे। बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन अगर आपने मजीद करना है तो मैं दोबारा इसको ज्वाइन कर लेता हूं।